हाय हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारे फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको मैटर्स की जो भी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ही डिटेल में बता दी थी। अब हम इसी चैप्टर के एक नए पार्ट की ओर चलेंगे, जिसमें आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की ही हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद स्टार्ट करेगा ये वाली वीडियो, क्योंकि अब जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों पे ही डिपेंडेंट होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ क्या होता है, देखिए इस बात में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये जो हुक्स लॉ नाम है जो ये लॉ का वो किस तरह का है। मतलब हुक्स, एक तो हुक होता है जो किसी भी चीज को पकड़ता है और एक होता है नेम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हुक्स लॉ है एक्चुअल में ये डिपेंडेंट है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उस पे। एक्सपेरिमेंट कोशिश करूंगी कराने की, बट उससे पहले जानते हैं कि हमारा जो ये हुक्स लॉ है वो किस तरह के लॉ को डिपेंड करता है, यानी कि किस तरह के लॉ को डिफाइन करेगा। और ये जो लॉ है ये हमारा स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों पे ही डिपेंडेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक है हुक्स लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल टर्म देखेंगे कि क्या निकल के आता है। तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। देखिए ये जो वर्ड है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताती रहूंगी मतलब क्या है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, वैसे एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज होना होता है। कैसे, आपने देखा होगा, वैसे अभी मेरे पास स्प्रिंग है नहीं, अगर होती तो मैं आपको जरूर करके दिखाती। मान लीजिए कि कोई आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का एक एंड आपने अपने हाथ में पकड़ लिया और दूसरे जो स्प्रिंग है उसके एंड पे आपने कोई वेट को क्या कर दिया, लगा दिया। अब वेट की वजह से हमारा जो स्प्रिंग का एंड है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, प्रोड्यूस्ड हो रहा है इन वायर, किसी भी वायर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी कि हम जो वायर में अपना एक एक्सटेंशन देखना चाह रहे हैं, यानी कि हमने उस पर कुछ ना कुछ क्या लगाई हुई है, लिमिट लगाई हुई है किसकी, किसी भी वेट की। तो हम नॉर्मली इसको मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड अप्लाइड। यानी कि आप जितना भारी कोई भी सामान लगाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके वायर पे या स्प्रिंग पे, किसी भी एंड पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के एंड पे अगर कुछ लगाएंगे तो उसमें जो इंक्रीमेंट होता है ना, नीचे की तरफ जाता है लोड की वजह से, वो आपका क्या होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड के, जो आपने लोड अप्लाइड किया है, जो आपने वेट अप्लाइड किया है। समझाती हूँ, देखिए अभी एक्सपेरिमेंटली तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक स्प्रिंग है कुछ इस तरह का, ये एक्सपेरिमेंट है, ये रियल में एक्सपेरिमेंट है हुक्स लॉ का, ये वैसा एक्सपेरिमेंट है, मुझे करके दिखाना चाहिए था बट मेरे पास अभी ऐसा कोई स्प्रिंग है नहीं, तो मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा दूं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इस वाले, ये जो हमारा पार्ट है, इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये वाली साइड हमने कर दी फिक्स, ठीक है। तो रियल में ये जो आपका स्प्रिंग है ये कुछ इस तरह का था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे इसके यहाँ पे एक 5 kg का वेट लगा दिया, यानी कि मैंने यहाँ 5 kg का मान लो कोई भी एक वेट लटका दिया इसके नीचे। तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये जो आपकी स्प्रिंग है ये कुछ इस तरह से खुलते 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 कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग में जो स्पाइरल होते हैं वो ऐसे ऐसे घूमे हुए वो खुल सकते हैं, वो ओपन हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपका ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये तो लगाया मैंने 5 kg का, तो ये इतना खुल गया। मान के चलिए कि अगर मैं यहाँ पे 10 kg का लगाती तो आपका स्प्रिंग कहाँ जाता, ये और भी ज्यादा खुलता, वो कहाँ तक जाता, बहुत नीचे तक जाता। ये था 5 kg के टाइम पे और ये है आपका 10 kg के टाइम पे। यानी कि आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो ये नीचे जा रहा है, ये जो स्प्रिंग खुल रहा है, ये आपका डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लोड पे। यानी कि आप कितना लोड दे रहे हैं,
कितना आप मास दे रहे हैं, कितना आप उस पर वेट लटका रहे हैं, उस पर आपका एक्सपेंशन क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए मैं इस पे ये लगाती तो शायद ये थोड़ा सा ही खुलता है ना, कि डिपेंड करता है कि आप जो वेट अप्लाई कर रहे हैं वो वेट आपका कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है विद इन इलास्टिक लिमिट। इस वर्ड को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली ये तो आपके समझ में आ गया होगा हुक्सला होता क्या है। हुक्सला आपका ये बोलता है कि आप जितना लोड अप्लाइड करोगे ना, जितना वेट आप लगाओगे उतना ही वो एक्सपेंशन करेगा। जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस वायर पे आपने लोड अप्लाई किया है वो उतना ही एक्सपेंड होगा जितना आप उस पे वेट लगाओगे, यानी कि लोड लगाओगे। बट यहाँ ये वर्ड क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक का क्या मतलब होता है, वो बॉडी जिसके ऊपर आप कोई भी अप्लाइड फोर्स लगाओ, उसको खींचो और फिर आप देखते हैं कि वो खिंच रहा है, खिंच रहा है, खिंच रहा है। बट एक बात बताओ, जब आप उसको छोड़ते हो, फोर्स लगाना हटा देते हो, फोर्स को हटा दिया आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो वो दोबारा से वापस चला जाता है अपने उसी स्टेज पे जो उसकी ओरिजिनल क्या थी, कॉन्फिग्रेशन थी। बट आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लीजिए आपने कोई रबड़ लिया, रबड़ भी वो वाला लेना वो जो पतला वाला होता है ना नॉर्मली, अगर आप वो रबड़ लोगे, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको जरूर करके दिखाती, अगर आप वो रबड़ ले रहे हो तो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी ना आप उसको खींच रहे हो, 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 आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। उसके अंदर की जो इलास्टिक लिमिट थी ना वो बस लिमिट तक ही रहती है। किसी चीज को आप फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो, तो एक जो लिमिट है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही वो क्या कर सकता है, अपनी वापस कॉन्फिगरेशन में जा सकता है। जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग के ऊपर आप अगर थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगाया छोड़ोगे तो दोबारा वैसा ही हो जाएगा, फिर फोर्स लगाया छोड़ोगे तो दोबारा वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाओगे और उसको खींचे ही जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो जब आप अब उसको छोड़ोगे ना, तो अब वो दोबारा से वैसा नहीं होगा जैसा वो पहले था, अब वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी कि वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, उसके स्पाइरल बनना बंद हो जाएंगे। तो वो स्टेज जहां पर आकर किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो फोर्स जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अब तक तो क्या कर सकता था, अपनी कॉन्फिगरेशन में आ सकता था, लेकिन उसके बाद नहीं आ रहा है, तो वो ही आपका क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। यानी कि उस लिमिट के बाद अगर आपने उस लिमिट तक फोर्स लगाया तो ठीक है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी और ज्यादा फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं कर सकता, वो तो दोबारा से वैसा नहीं हो सकता जैसा वो था। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। यानी कि आप अगर जब तक फोर्स लगा रहे हो, जब तक इस स्प्रिंग की क्या है, इलास्टिक लिमिट, तब तक तो ये खुलता जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा लगा दिया तो अब अगर आप इस वेट को हटाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही। इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से। मैंने स्प्रिंग पे वेट लगाया कितने का, 5 kg का, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इस तरह का हो गया। जब मैं इस वेट को वापस से हटा देती हूँ तो क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग दोबारा से इसके जैसा हो जाएगा। ये चीज समझ में आई, दोबारा समझो। अब मैंने जो वेट लगाया तो मैंने लगा दिया 10 kg का, तो ये वाला स्प्रिंग किसके जैसे हो गया, इसकी तरह हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैंने इस वेट को हटाया, दोबारा से ये वाली स्प्रिंग किसके जैसी हो गई, इसके जैसी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने वेट लगाया बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि मैंने लगा दिया 20 kg का, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और अब अगर आप इस पे लगाए गए वेट को हटाओगे तो ये कभी भी इसके जैसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग की जो लिमिट थी वो आपकी कितने तक थी, 10 kg तक। 10 kg से ज्यादा वेट लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा लोड लगाओगे, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, अब वो दोबारा से अपने पहले वाली स्टेज में वापस नहीं आ सकता, अपनी पहली वाली कॉन्फिगरेशन में वापस नहीं आ सकता। तो आई होप आपके स्प्रिंग वाला जो हमारा हुक्सला का एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इलास्टिक लिमिट क्या होती है और किस तरह से हमारा जो एक्सपेंशन होता है वो लोड अप्लाइड पे आपका डिपेंड करता है। ये आपका क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्सला। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपके, पक्की। अब चलो, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा। लाइन क्या लिखी हुई है, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक आपकी इलास्टिक लिमिट है, यानी कि आप लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं, लिमिट के अंदर आपने लोड अप्लाइड किया है, लिमिट के अंदर आपने लोड लगाया है,
स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मैंने इस एरिया पे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो जो आपने स्ट्रेस लगाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके स्ट्रेन के। ठीक है, यानी कि जिस बॉडी पे आपने क्या लगाया है, स्ट्रेस लगाया है, उसका स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रेन के। अब देखिए जरा इस चीज को यहाँ पे क्लियर करना। आपका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है बताओ, स्ट्रेन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप कोई भी, यानी कि स्ट्रेस का ही इफेक्ट आपका स्ट्रेन होता है। आपने किसी ऑब्जेक्ट के किसी एरिया पे फोर्स लगाया तो या तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, या वॉल्यूम चेंज हो जाती है, या एंगल पे उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो आपकी क्या होती है, स्ट्रेन। यानी कि जितना आप किसी एरिया पे फोर्स लगाएंगे उतना ही उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स अपॉन एरिया लगाओगे उतना ही आपकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज। चाहे वो लेंथ चेंज हो, चाहे वो वॉल्यूम चेंज हो, चाहे वो आपकी कुछ भी चेंज हो, शेप चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, वो टोटली डिपेंड करता है आपका किस पे, स्ट्रेस पे। ये चीज हमारे यहाँ पे जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू है स्ट्रेस, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। तो ये चीज तो आप लोगों को पता होगा कि हम जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, जब आप इसको हटाते हैं और इक्वल का साइन लाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। तो कुछ ऐसा ही कांस्टेंट हमारा यहाँ पे आएगा। चलिए देखते हैं क्या कांस्टेंट आता है। यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है ई, और ये हो जाता है हमारा स्ट्रेन। ये जो आपका स्ट्रेन, ये जो ई है वो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ई है आपका, इसको बोलते हैं क्या, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसी भी मटेरियल में कब आता है, जब आप किसी भी मटेरियल पे स्ट्रेस लगा रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ क्या आता है, चेंजमेंट आता है, तो आपका क्या निकल के आता है यहाँ पे, ई निकल के आता है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मुक्सला है इसमें जो हमारा ये ई निकल के आया है, यही हमारा मेन है, यही हमारा एक्सपेरिमेंटल क्या है, मीनिंग निकाल के आएगा। तो वो मीनिंग क्या है उसको देखेंगे अभी। उससे पहले आप अच्छे से एक बार हुक्सला की डेफिनेशन समझ लीजिए, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समझ लीजिए, देन उसके बाद उसका जो मैथमेटिकल टर्म निकल के आई है कि आपका जो एक्सपेंशन होता है वो किसकी वजह से होता है, जो आपने लोड अप्लाई किया है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, जो वेट अप्लाई किया है। फिर हमने कहा कि स्ट्रेस आपका स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जितना आप फोर्स अपॉन एरिया लगाएंगे उतना ही ज्यादा बॉडी में क्या आएगा, चेंजमेंट। जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं देन एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा आपका, क्या है ये, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वर्ड हम बहुत बार यूज करेंगे अब, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक हमारा टॉपिक बनता है, और उस टॉपिक पे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो चलिए ये नोट्स बना लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल साइड में लिख के देख लेना, लिख के क्या देख लेना, आपको नोट करना ही है नोट्स में, क्योंकि ये ना सिर्फ समझाने के लिए था, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है हुक्सला का, तो आपको मे बी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आपका टॉपिक, जो कि है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो क्या देखेंगे, डेफिनेशन, देन उसके बाद उसकी जो मैथमेटिकल टर्म होती है, यानी कि जो फॉर्मूला निकल के आता है वो देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, यानी कि क्या होगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। नहीं आया समझ में, चलिए बताती हूँ। देखिए इसको आपको कैसे डिफाइन करना है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आपको पता है क्या कि हमारा जो स्ट्रेस होता है,
वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्ट्रेन के। तो आपने देखा था कि जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या होता है ई। फिर हमारा ये क्या आएगा यहाँ पे स्ट्रेन। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ई होता है यानी कि आपका कैपिटल ई वो होता है आपका क्या रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ई है ना कैपिटल ई यही आपका क्या है, यही है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और उसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना स्ट्रेस लगाया जा रहा है, कितना फोर्स अपॉन एरिया आप लगा रहे हैं और कितना उसमें स्ट्रेन आ रहा है, यही आपका क्या निकल के आता है, यही आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का ही नाम है आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया डेफिनेशन, आपको पक्का 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की जो आपको कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी कि आप किसी भी बॉडी पे लगाए हुए स्ट्रेस को उसमें आए चेंजमेंट से डिवाइड कर दें, यानी कि स्ट्रेन से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। तो ये तो था हमारी मैथमेटिकल टर्म यानी कि हमारा फॉर्मूला किसके लिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। अब हम देखेंगे हमारे मॉडुलस के यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ न्यूमेरिकल उस पर पक्का आते हैं या फिर आपको डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। तो चलिए फटाफट से हमारे जितने भी टाइप्स बनते हैं मॉडुलस के वो कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मॉडुलस यानी कि हमारे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स देखेंगे हम लोग। बहुत ईजी है, जस्ट आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आई थी वो क्या थी हमारी, वो रेशियो थी स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अब आपको पता है स्ट्रेस तो सभी चीजों पे सेम ही लगता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, वो तो सबका सेम ही लगेगा, फॉर्मूला सेम है स्ट्रेस का। बट आपका जो स्ट्रेन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, आपका चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन शेप, और नीचे क्या होता है, या तो ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पे जो चेंजमेंट होता है वो मोस्टली किसमें होता है, आपका शेप में होता है, यानी कि आपका जो स्ट्रेन आता है उसमें चेंजमेंट होता है। नहीं आया समझ में, चलिए समझाती हूँ, आएगा समझ में। तो आपको जस्ट क्या याद रखना है कि हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मैं जो इनके नाम देने वाली हूँ मतलब जो टाइप्स के नेम आने वाले हैं, आपको जस्ट वो याद रखना है, यानी कि जो भी नाम आपका आया है उन सभी नाम में आपका क्या क्या चेंजमेंट आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, आपको जस्ट वो याद रखना है। करें स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका तो नाम ही इतना अच्छा है, यंग, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं वाई से। ये याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल में कई बार आपको डायरेक्ट वाई दिया हुआ रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो आपको कैपिटल वाई दिया हुआ है इसका मतलब है आपका क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए वाई इसका क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, करें स्टार्ट। देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोबारा पढ़ना इस चीज को, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आपका, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, वाई से, वो आपका क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं किससे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मैंने आपको स्ट्रेन कराया था तो बताया था स्ट्रेन का एक टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होता है कि जो चेंजमेंट आता है वो आता है लेंथ में,
कि उसकी लेंथ क्या हो जाती है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कुछ और थी और चेंज इन लेंथ कुछ और हो चुकी है। तो यहाँ जो चेंजमेंट आएगा वो ऑब्जेक्ट में, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, उसकी लेंथ में क्या आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट आने वाला है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए। अब सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ तक ही नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है इसको हम आगे करेंगे कैसे, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आपको ये बताना है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन याद होगा, आपका जो चेंज इन लेंथ आता है, यानी कि चेंज इन लेंथ, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, डेल एल से, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक्चुअल में क्या हो गया, डेल एल बाय एल। ये चीज समझ में आई आपको, मैंने कैसे लिखी है, इजी थी बिल्कुल भी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या कर दिया था, हमारे पास फॉर्मूला था तो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि हमें फॉर्मूला को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस तो आप लोगों को सबको पता है, ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया, है ना। अब अगर जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, वो ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा ले लूं जिसका हम क्या निकाल सकते हो, हम उसका एरिया निकाल सकते हो। तो मान लीजिए कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया और वो ऑब्जेक्ट का जो एरिया निकाला हमने, वो ले लिया हमने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है एनी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का। तो अब हमारे पास जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि हमें स्ट्रेन यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस आया है उसको डिवाइड करना है स्ट्रेन से। तो करीब यह आपका हो जाएगा फोर्स बाय पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका डेल एल बाय एल। तो ये आपका कुछ किस तरह से निकल के आएगा, एफ पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाय डेल एल। देखिए हमारा जो लास्ट में, हमारा फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। मैं इसको साइड में आपको फाइनली लिख के दिखा देती हूँ, हमारा ये आएगा एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल एल। अब मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लिखना है, क्योंकि आपके इसी फॉर्मूला पे बेस्ड के आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अप लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो आपको जो मेन बात याद रखनी है हमारे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, वो क्या याद रखनी है कि नॉर्मली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ऐसा क्या खास है। तो इसमें खास है कि इसमें जो स्ट्रेन आता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, लेंथ में स्ट्रेन आता है, लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता है। ये इसमें क्या है, थोड़ा सा अदर अप लेवल की थिंग है जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास क्या था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जो कुछ इस तरह का था, सिलेंडर टाइप में, ठीक है। इसकी जो लेंथ थी वो हमने ले रखी थी L। जब मैंने इसके ऊपर वेट लगाया, यानी कि मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, तो इसकी लेंथ में चेंजमेंट आया, चेंज आ रहा है मतलब स्ट्रेन आ गया। तो इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई आपकी कुछ इतनी, यानी कि इतना तो ये था ही, एल था, चेंजमेंट कितना आया, इसमें चेंजमेंट आया आपका डेल एल का। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, कितने एरिया पे किया, और कितनी उसकी लेंथ थी, और कितना उसकी लेंथ में चेंजमेंट आया है। यही आपका क्या बताता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन कहना चाहूंगी, न्यूमेरिकल बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, लिख लेना, अलग से लिख लेना, क्योंकि अभी ऐसे ही बहुत हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलने वाले हैं। तो आपको सबका ना अलग अलग ध्यान रखना है कि हमारा यंग मॉडुलस ऐसे होता है, उसमें लेंथ चेंज होती थी, उसका ये फॉर्मूला था, क्योंकि सब आपके न्यूमेरिकल अलग अलग आएंगे तो आपको सभी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए ये हमारा यहाँ पे हो चुका है क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये बोला जाए कि हमारा जो यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया है,
इसका आप यूनिट कैसे देंगे? तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, इसकी जो यूनिट आएगी वो आपके बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे आपकी किसकी थी, बताइए आप खुद। ये आप मुझे ना खुद बताना, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको ये काम करना है और बताना है कि आपका ये जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है। नहीं आप, चलिए मैं बता देती हूँ। आपको पता है कि हमारा जो ये स्ट्रेन हो, जो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। अब आपको पता है ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो आपस में वैसे भी कट जाएगा, कोई लेना देना है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो किसकी वजह से आएगी? वो निकल के आएगी स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया की जो आपकी यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इजी है। और अगर मैं इसका डायमेंशन आपसे निकालने के लिए कहूं तो इसका डायमेंशन बिल्कुल सेम वैसा ही आएगा जैसा आपका स्ट्रेस का आया था। तो यूनिट मैंने आपको बता दी है, ये भी बता दिया है कि स्ट्रेन की ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होता है। या आप अपने डायमेंशन वाले चैप्टर में भी याद रखेंगे, स्ट्रेन आपकी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ना तो कोई डायमेंशन होता है ना ही यूनिट होती है। तो आपका जो डायमेंशन या फिर आपका जो यूनिट निकल के आएगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो टोटली किसकी वजह से आती है? स्ट्रेस की वजह से आती है। तो आपको यहाँ पे एक नई चीज और सीखने को मिली है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसकी जो अगेन एक यूनिट होती है उसको पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपके? पास्कल। तो आप इसको डायरेक्ट अगर याद रखना चाहें तो पास्कल भी याद रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्लीट विद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, क्योंकि इसकी यूनिट्स और डायमेंशन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा टाइप बनता था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में। अब करते हैं हम हमारा सेकेंड। तो चलिए चलते हैं हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की सेकंड टाइप है। तो बल्क, सबसे पहले इसको नाम को समझिए, बल्क से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि बल्क का मतलब क्या होता है, हमारे जो नॉर्मली जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें हमारे बल्क का मतलब होता है भारी। कोई भी चीज जब भारी हो जाती है, या फिर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज के वॉल्यूम के बारे में बात होती है ना, तो उस वर्ड उस जगह पे आपका एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं बल्क, कि ये बहुत ज्यादा बल्की है, ये बहुत ज्यादा भारी है। नॉर्मली जो वर्ड यूज किया जाता है वो वाटर के लिए किया जाता है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड स्टेट जो होती है ना उनके लिए यूज करने वाला वर्ड होता है हमारा बल्क। तो ये हमारा है सेकंड जो हमारा टाइप बनता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसका नाम क्या रखा गया है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन याद कर लीजिए इस वर्ड को, क्या है हमारा ये? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बी से। बार बार मैं जो हमारी जितने भी हमारे टाइप्स हैं उनके बार बार बता रही हूँ, आपको याद रखना है कि उसको डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि कई बार आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई रहती है, तो आपको बोल देंगे वैल्यू ऑफ बी इज, तो बी आपको पता होना चाहिए कि वो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन में बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है? देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि आपका जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी जिसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, वो रेशियो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ये पता नहीं मैं नॉर्मल में बार बार डबल एल क्यों लगा देती हूँ, और ये ऑटोमेटिकली होता है, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखिए अगर मैं यहां से बल्क को छुपा दूं तो आप क्या बनता है यहाँ पे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? अगर मैं यहाँ से ये नॉर्मल और वॉल्यूमेट्रिक हटा दूं तो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये बात तो आपको अच्छे से पता है।
तो यहाँ पे जब बल्क लग जाता है तो बल्क का रिलेशन होता है वॉल्यूम से, वॉल्यूम मैट्रिक से। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। जब हमने यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किया था तो हमें ध्यान रखना था कि उसमें लेंथ की बात होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। जो भी चेंजमेंट आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा था, हमारी लेंथ में आ रहा था। जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें जो चेंजमेंट आ रहा है वो वॉल्यूम पे आ रहा है। वॉल्यूम कैसे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूँ, कोई भी हमने स्फेयर ले लिया, इसकी वॉल्यूम पहले इतनी थी, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था बलून है, बलून में आपने वाटर को भरा हुआ है, तो जब आप उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो हम बोल मैं बोल दूं कि ये पहले इतना था और ये डिक्रीज होके क्या हो गया, इतना हो गया। तो पहले इसकी वॉल्यूम वी थी, चेंज होके कितनी हो गई, डेल वी हो गई। इसका मतलब कितनी हो गई, इतनी हो गई, डेल वी का चेंज आया है इसमें। तो वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि वो डिक्रीज भी हो सकता है और वो इंक्रीज भी हो सकता है। अगर मैं उसी बलून में और ज्यादा पानी भर दूंगी और उसकी कैपेसिटी हुई उतने पानी को सहन करने की, वो मोटा हो जाएगा। तो सिंपली है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, जब आपकी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारा जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो आपका रेशियो होता है किस किसके बीच का, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हमें जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था ना हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, ऐसे ही आपको इनका फॉर्मूला निकालना है। तो आपको एक बात तो अब तक पता लग गया होगा कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है बच्चों, वो नॉर्मल स्ट्रेस तो सबके लिए सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, आपको पता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो सिंपल हो गया या नहीं। अब आपकी चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल वी, और आपका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, वी, क्योंकि पहले वॉल्यूम कितनी थी, वी थी, और जब हमने उसको कंप्रेस किया तो वो दब के कितनी हो गई, डेल वी। तो चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका निकल के आ गया क्या, दोनों का फॉर्मूला। जस्ट आपको क्या करना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस आपका क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन आपका क्या है, डेल वी बाय वी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, एफ वी बाय ए डेल वी। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आया है, यानी कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा ही क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल्स में कई चीजें ऐसे होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई रहती हैं। मान लीजिए कि आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी बुक्स वगैरह में आपको फोर्स ना दिया हो और आपका एरिया भी ना दिया हो, बोल दे बल्क निकालो बट आपको प्रेशर दिया हो, तो आप क्या करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो फोर्स अपॉन एरिया होता है एक्चुअल में प्रेशर होता है। तो इस फॉर्मूला को आप चाहिए तो एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आपका वी बाय डेल वी। यानी कि यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है आपका एफ वी अपॉन में ए डेल वी, और सेकंड है आपका जब फोर्स अपॉन एरिया को आप लगते हैं प्रेशर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पी वी बाय डेल वी। इसको मैं अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है आपका ये और सेकंड आपका क्या है ये। तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन मैं अगर आपसे कहूँ तो चलो निकालो इसका वो निकालो, ऐसा ही निकालो, तो आपको पता है वॉल्यूम वॉल्यूम तो आपस में चेंज ही हो जानी है, प्रेशर निकल गया आएगा। प्रेशर की क्या होती है, दो होती है, एक तो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड मैंने बताई कि पास्कल। तो जितने भी आपके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप होंगे उनकी यूनिट सबकी सेम होगी क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, पास्कल। तो ये था हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला याद कर लीजिए क्योंकि जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपसे ही पूछूंगी इसका फॉर्मूला क्या था और आपसे सॉल्व करने के लिए दूंगी, तो अच्छा होगा पहले से इस फॉर्मूले को अलग से लिख लो, अलग से याद कर लो, ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम पे आपको सोचना ना पड़े कि इसका फॉर्मूला क्या था।
तो ये हो गया हमारा सेकंड जो टाइप था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब चलते हैं हमारे थर्ड की तरफ, यानी कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए करते हैं, समझते हैं हमारा थर्ड जो टाइप है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो कि है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका जो नाम है ना, उससे आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भाई सिंपल तो नहीं है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा टिपिकल होने वाला है। बट इस बात की श्योरिटी मैं देती हूँ कि समझ में आपको पक्का आएगा अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हैं ना किसी भी टर्म को, तो समझ लीजिए वो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड कह रहा है कि भाई ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर सिर्फ आप वीडियो को देखते जा रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद आप उस चीज को शायद अपने माइंड में भूल जाएंगे। बट अच्छा होगा अगर आप साथ साथ इन चीजों को लिखते भी जाएंगे। समझते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके नाम के बारे में, डेफिनेशन के बारे में नहीं, सबसे पहले इसके नाम के बारे में बात करेंगे। तो इसका नाम जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो भाई रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी होती है कि, वैसे देसी लैंग्वेज में बोलूं तो रिजिड का मतलब होता है ढीठ। ढीठ मतलब जो अपनी शेप को ना चेंज ही नहीं करना चाह रहा। जैसे कि हमने देखा कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है उसमें लेंथ चेंज हो जाती है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, ना तो लेंथ चेंज होती है ना वॉल्यूम चेंज होती है, इसमें शेप है ना कुछ अजीब सी हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जब मैंने आपको शियरिंग स्ट्रेन कराया था, कि आप अगर कोई भी मोटी सी बुक लेते हैं और उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं तो अपनी शेप में एंगल के हिसाब से क्या ले आती है, चेंजमेंट ले आती है। यानी कि चेंजमेंट होता तो किसमें, शेप में, बट हम उसको डिफाइन करते हैं किसमें, हमारे लेंथ में। पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो मोटिव है ना वो हमारा शियरिंग स्ट्रेन पे होना चाहिए। तो शियरिंग स्ट्रेन मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाग के जाइए फटाफट से वो देखिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है वो बोल रही है इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। जबकि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमने किया था, लॉन्गिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक, उनमें दोनों में नॉर्मल स्ट्रेस था, पर ये नॉर्मल नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, इस वाले में होगा आपका कौन सा, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कि आपका जो जी होता है वो आपका रेशियो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस का और आपका किसके लिए, शियरिंग स्ट्रेन के लिए, शियरिंग स्ट्रेन के लिए। अब जैसा कि हम नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, उसी तरह से आपको इसके क्या निकालने हैं, फॉर्मूला निकालने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो एक्चुअल में क्या है, आपका स्ट्रेस ही है, चाहे आपका नॉर्मल हो चाहे कुछ भी हो। अगर आपको उनका स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है तो वो हमेशा ही क्या होने वाला है, फोर्स अपॉन एरिया होने वाला है। तो इसमें ऐसी कोई भी चेंज करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपका जो शियरिंग स्ट्रेन होता है, तो बच्चों आपको याद होना चाहिए इसको डिनोट करते हैं थीटा से, और ये क्या होता है, ये होता है आपका डेल एल बाय एल। अब आप कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल में भी तो डेल एल आया था, लेकिन भाई वो आपका स्मॉल एल था, वो आपका चेंजमेंट था लेंथ में, ये आपका लेंथ में चेंजमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ शेप में चेंज होगा। आप कोई भी ऐसा बॉक्स लेके देखिए, जैसे चौक का कोई डब्बा ले लीजिए या फिर किसी, मतलब कोई भी आपके घर में बॉक्स हो उसको देखिए, फिर उसमें ना ऐसे टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगाना, ठीक है, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा ना घूम जाती है, थोड़ा टेढ़ा हो जाती है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर शेप में चेंज आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शियरिंग स्ट्रेन। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन में एरिया, ये हो जाएगा आपका डेल कैपिटल एल, मेरी वाली गलती मत करना, ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया इनटू में लेंथ बाय डेल एल। ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
जो आपको याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे कि जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उन सबके यूनिट सेम होती है, या तो आप लिख सकते हैं पास्कल, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, और इनके डायमेंशन भी वही होंगे जो आपका किसका होता है, प्रेशर का होता है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता ना प्रेशर का क्या होता है, उनको बहुत चाटा लगने वाला है। आप जाइए पहले डायमेंशन सीखिए, क्योंकि आपसे ना जितनी भी आप डेफिनेशंस देंगे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देंगे, उसके बाद कंपलसरी है बिना पूछे, बिना क्वेश्चन में मेंशन हुए, आपको उसके यूनिट और डायमेंशन दोनों ही लिखने हैं, अदरवाइज आप मार्क्स को बैठेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, क्या ये हो गया है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस ऑफ आपका इलास्टिसिटी। अब आपको बता दूं, तीनों ही मैंने करा दिए हैं, सिर्फ थ्री टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आपका क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड हमारा क्या था बल्क, थर्ड हमारा क्या है शियर। अब हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, मजे आएंगे करने में, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूलास पता होगा। फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई बैठे रहना, फॉर्मूला तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से जाइए फॉर्मूले को एक साइड में लिखिए, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए।